हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल पावर पार्ट। नो होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। कंपटीशन का वीडियो है भाई, बहुत दिक्कतें आई हैं, बहुत इश्यूज हुआ है, बहुत ट्रेजेडी भी हुआ है। इन सब को समझने और देखने के लिए वीडियो में बने रहें, लास्ट में मिलते हैं आप लोगों से। दिस इज़ द वेन्यू फॉर माई कॉम्पटिशन। वहाँ पर होता है, मतलब मेन वहाँ पर स्टेज है एंड शायद यहाँ पर कहीं रूम बोले तो वहाँ जा रहे हैं। रांची में ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन भाई मानना पड़ेगा कुछ ज़्यादा ठंड है नॉर्मल से। तो लेट्स गो, गुरुद्वारा है यार, मिलते हैं आगे। तो भाई बॉडी वेट हो गया है, बॉडी वेट होने के बाद अभी Hello. थोड़ा सा काब्ज वगैरह भी खा लिए हैं, गए थे मस्त एकदम बाहर आलू पराठा वगैरह खा लिए एंड केला तो बस अभी ये सब कंप्लीट हो गया है। अभी जाएंगे, देखेंगे कब तक बोलेगा अपन लोग को वार्म अप्स करने के लिए। तो वार्म अप जैसे ही होता है उसके बाद फिर चलेंगे रोड, दिखाएंगे आप लोग को। मेरा सिर्फ बेंच प्रेस है, कब है तो एंजॉय करना। सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म आउट देयर, पीछे में लिफ्ट करना है, उधर स्क्वाट है, उधर बेंच है, पीछे बैनर लगा हुआ है, और अच्छा लगेगा आप लोग को, वीडियोज अच्छा मिलेगा। तो भाई अभी एक इंसान का कॉल आया है, वो इंसान मेरे को बाहर बुलाया है एंड वो इंसान से मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना वो मेरे को गाली देके फाड़ सकती है। कहाँ है वो, वेर इज शी, नज़र नहीं आ रही है। ऐसे नज़र आती है बताते हैं। थैंक यू हो गया। कौन बोल रहा तुमको वेलकम? मार्क्सदर पता कौन है तुम? नहीं मार्क्सदर नहीं उतारेंगे। अरे उतारो भाई, पब्लिक को पता चलना चाहिए उसका को-ओनर वापस आया। दीपाली शर्मा नाम बोल। यस दीपाली, हाय गाइस। क्या लगी मेरी दीदी? खाना दीदी लंबी लग रही तू मेरे से, गलत बात है, हम नहीं रहेंगे तेरा साथ फिर। थैंक यू। कहाँ है सब? अंदर चलो। दीपक कुमार चंद्रवंशी जी का नेक्स्ट शेख मलिक इसका लिफ्ट चालू है, इसका थोड़ा सा जल गया है क्योंकि धीरे पटकने पर डेड लिफ्ट। मेरा डेड लिफ्ट नहीं था, मेरा सिर्फ बेंच था। देखा आपने, दो अटेम्प्ट लिए थे, तीन अटेम्प्ट लिए थे जिसमें से दो पास हुआ। लाइक सबसे पहला अटेम्प्ट था 85 एंड 92 का स्पीड अच्छा था ना मेरा, 92 का अच्छा स्पीड था, लेकिन 142 यार गुड लिफ्ट था। वीडियो देख लेना। अरे हाँ, इसका चैनल पर वीडियो देख लेना, 142 का गुड लिफ्ट था, बट पता नहीं क्या दिक्कत हुआ, बोला कि डेप्थ नहीं है, नेपोटिज्म इसी को बोलते हैं। देखो भाई, हम उसका कुछ नहीं बोल सकते। बाकी मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट था 100 kg, उसमें लिफ्ट कर सकते थे बट पता नहीं
एनर्जी नहीं मिला कि क्या, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अभी भी एग्जॉस्टेड फील नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ आई डोंट नो, बट आई गेस 100 केजीज के लिए थोड़ा सा टाइम है, एक महीना का ट्रेनिंग लेंगे तो 100 केजीज आ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट भाई 97 हम मार चुके थे, 92 स्पीड में आया था तो हम सोचे 100 केजीज ले लेते, तो ले लिए 85 ही मारेंगे यार, हमको 90-200 मारना है यार, तो जाके बात कर लो, 80 बोलो, 180 करेगा ठीक है, नहीं करेगा यार सब दो, चलो भाई देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बाकी मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। 66 कैटेगरी चल रहा है डेडलिफ्ट, जो उनको देखने में मजा आ रहा है, हम सोचे आप लोगों को भी दिखा देते हैं। The next day. तो भाई कल तक आप लोगों ने देखा मेरे गेम का वीडियो, एंड आज होगा मेडल सेरेमनी, देखते हैं क्या पोजीशन लगा है। एक्चुअली वेन्यू पे मैं रुक नहीं सकता था, तो भैया के रूम पे आ गया था, यहाँ पर मेरे भैया भी रहते हैं, आई गेस 9:30 बज रहा है तो उठा हूँ, आई नो थोड़ा लेट है बट फ्रेश हो गया हूँ एकदम, नहा वहा के सब एकदम बिंदास, तो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ माय पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करते जाएंगे, सिर्फ बेंच था ये, तो वैसे भी नेक्स्ट ईयर फुल SBD खेलूंगा, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, फिलहाल लेट्स गो एंड सी व्हाट इज़ माय पोजीशन। एंड ये 2 दिन का ब्लॉग है, पहली बार मैंने 2 दिन कंटिन्यूसली किया है, लाइक कल एंड आज मिला के आप लोगों को मिलेगा एक पूरा वीडियो, सो बने रहना वीडियो में, देखते हैं क्या आया है, लेट्स गो। तो भाई कॉम्पिटिशन हो चुका है ख़त्म, एंड मैं कल ही घर आ गया था, मतलब आज आपका कितना तारीख है, आज 12th है, मैं 11th को घर आ गया था, मैं एक दिन वहाँ पे रांची में इसीलिए रुका था क्योंकि मैंने सोचा मेडल सेरेमनी होगा, जो कि हुआ भी, बट एट द सेम टाइम एक इशू हो गया, इशू मेरे तरफ से नहीं था भाई, दिक्कत यही हुआ कि जब हम लोग एनरोल कर रहे थे अपना, मतलब जो भी कॉम्पिटिशन में जाके जब हम लोग वेइंग देते हैं, पैसा देते हैं अपना कैटेगरीज वगैरह के हिसाब से, एंड जो भी होता है वहाँ पे एनरोलमेंट वाला जो भी प्रोसीड्योर होता है, एनरोलमेंट वाला प्रोसीड्योर जब चल रहा था उस टाइम पे मेरे को बताया गया था कि सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर सब कैटेगरी का अलग अलग बेंच प्रेस कंपटीशन होगा, मतलब कोई भी ओपन कैटेगरी नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ समवट की ओपन कैटेगरी लाइक सब एक साथ ऐसे कम्पीट नहीं करने वाले, एंड पोस्टर में भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि हर कैटेगरी का डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है, ठीक है, तो हम वही सोच के गए थे भाई, गए तो ठीक, बट एट द सेम टाइम इशू ये हो गया कि जब वहाँ पर कॉम्पिटिशन ख़त्म हुआ उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि बेंच प्रेस को कर दिया गया है ओपन, ओपन इन द सेंस कि सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर सब एक साथ कम्पीट करेंगे, मतलब अगर कोई सब जूनियर है तो वो डायरेक्टली उस बंदे के साथ कम्पीट करेगा जिसको इस गेम में 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते, तो भाई जाहिर सा बात है वो ज़्यादा मारेगा, अगर ये चीज़ हम लोग को पहले पता होता, क्योंकि बहुत लिफ्टर्स का भी यही कहना है, अगर ये चीज़ हम लोग को पहले पता होता तो हम लोग एनरोल ही नहीं करते ना, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग नहीं कम्पीट कर पाएंगे, हम लोग 10 साल, जो लोग 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाउ कैन वी बीट देम, समझ रहे हो ना भाई, 10 साल में डिफरेंस बहुत होने वाला है, मान के चलो आज जो मैंने 100 kgs फेल किया, 100 kgs में अभी तक मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, किसी का ओपनर 110 से स्टार्ट हो रहा है जो मास्टर या फिर सीनियर में है, ठीक है, तो भाई हाउ कैन एक्सपेक्ट कि ओपन कैटेगरी में मेडल आएगा, ये पहले बताते तो आई गेस अच्छा होता, क्योंकि पोस्टर में कहीं मेंशन नहीं था, ये उन लोगों की तरफ से उस मूवमेंट में डिसाइड हुआ था, ये तो मैं पक्का जानता हूँ, बाकी ठीक है कुछ कर नहीं सकते उसमें, कोई बड़ा बात नहीं है, चिल्ड है, क्योंकि मेरे को मेरा रिजल्ट पता था, क्योंकि जो मेरा कैटेगरी है उसमें मैंने 2-3 लोगों से जाके बात की किसने क्या लिफ्ट किया क्या नहीं, बकायदा मैंने देखा भी है, तो उसमें मेरे को पता चल गया कि हाँ मेरे को सिल्वर मेडल लगा है, तो या भाई सिल्वर मेडल था मेरा जो मेरे को नहीं मिला बिकॉज ओपन कैटेगरी हो गया था, अगर मेरे को अपना कैटेगरी के हिसाब से मेडल्स मिलता, सबको अपना अपना कैटेगरी के हिसाब से मेडल्स मिलता तो मेरा सिल्वर मेडल होता, बस वहीं तक तो बात है भाई, एंड आप लोग के लिए भी एक टिप है, जब जाओ तो स्पेसिफिकली बार बार 3-4 बार पूछ लो कि क्या ओपन होने वाला है या फिर कैटेगरी वाइज होने वाला है, समझ गए हो ना डिफरेंस कैटेगरी और ओपन में, तो ऐसे करके पूछ लेना, वरना बाद में आप लोगों को भी इश्यूज होगा कि भाई बताया नहीं गया यार, ये कर दिया वो कर दिए, तो जो भी हुआ भाई वापस अपना प्रैक्टिस जारी रख रहे हैं, वैसे एक बार मेरे को आइडिया भी हो गया कि अभी मैं जो नया कैटेगरी अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो मेरे को कितना, मैं कितना पानी में हूँ उस कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है भाई कंप्लीट करके मज़ा आया, बाकी फिलहाल बस यहीं तक था वीडियो, इसलिए मैं 2-3 दिन तक वीडियो नहीं बना रहा था, मेरे को पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा दिमाग ठीक स्टेबल नहीं था, क्योंकि भाई देखो एट द एंड ऑफ द डे मेरे को मेडल तो नहीं मिला ना, तो उसी चक्कर में मेरा दिमाग थोड़ा सा अनस्टेबल था, बट हाँ अभी ठीक है न्यूट्रलाइज हो गए हैं, बहुत कुछ समझाया खुद को कि नहीं भाई होता है चलो चिल कोई बात नहीं, तो बस भाई वहीं तक था आज का वीडियो, वहीं तक था इतना दिनों का वीडियो, 2-3 दिन का वीडियो है ऑब्वियसली, तो बस
इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं आप लोग ऐसी किसी नए वीडियो में, और सपोर्ट बनाए रखें, बाय बाय।